योर का नॉट कूलिंग का इशू, देखिए रूम टेम्परेचर 27 है, सेट पॉइंट जो 22, इसका क्या कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन करके स्टेटस चेक करेंगे, कूल मूड में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देंगे। उसके बाद हम आउटडोर को चेक करेंगे, यहाँ पर सिस्टम में सब कुछ ठीक है, थर्मोस्टेट से आउटडोर पर प्रॉब्लम देखेंगे। बोलो इसको, योर का जनरल कंट्रोल है जिसको थर्मोस्टेट आपको दिखाया है, रूम टेम्परेचर 27, नॉट कूलिंग का इशू है। तो लोग ट्रेस आउट कैसे करते हैं उसका भी देखें, जस्ट वो मशीन पाए, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है, ये देखिए एरर का ब्लिंकिंग लाइट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 बार ये एरर आ रहा है। अब हम लोग ट्रैवल शूट कैसे करते हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है। 5 बार हो रहा, कंडेंसर फैन घूम रहा, खाली कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए इसमें एरर जो है 5 टाइम ब्लिंक कर रहा, 5 टाइम ब्लिंक मतलब LPS लो प्रेशर का वजह से, मतलब सिस्टम लो प्रेशर का वजह से आ रहा, कंप्रेसर 1 का, ठीक है। तो हम लोग कंप्रेसर 1 को चेक करेंगे, कंप्रेसर 1 ये लगा दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना होगा, इसको पहले सबसे पहले हम लोग या तो कॉन्डक्टर को प्रेस करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना गैस बता रहा है, ठीक है। ये तो कंप्रेसर 1 था, उसी का हम लोग का इधर था, 5 टाइम बिलिंग कर रहा है। ट्रबल शूट करने के लिए बता रहा है कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए इसी तरीके से सोलनाइट वाल नहीं लगा हुआ है, यॉर्क का है, इसका वजह से हम लोग इसको ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर प्रेस करके, अगर सोलनाइट जिसमें रहेगा तो कॉन्ट्रेक्टर प्रेस करके नहीं ऑन करेंगे, क्या सोलनाइट वाल ओपन नहीं होता। अभी देखिए कंप्रेसर 2 में भी लगा दिए हम, ठीक है, कंप्रेसर 2 में लगा दिए। अब इसका कॉन्ट्रेक्टर प्रेस करेंगे, वीक गियर पुल 380 वोल्टेज रहता है, इसीलिए इसको हम प्रेस किए, कंप्रेसर 2 को हम प्रेस किए, इसमें गैस ठीक है 55 है। तो अभी क्या है ना, अभी इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें गैस टॉप अप करेंगे, माइनर लीक है, लीक को ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत माइनर है, बहुत दिन पहले को रहा सुनने में आया है, तो इसलिए अब क्या कर पाए, फिलहाल तो हम लोग गैस टॉप करके इसको रन कर देते हैं, क्या कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लगाओ सर, नहीं आ रहा कि लीक गैस निकलती है उधर, और फिलहाल तो इसमें गैस टॉप अप करेंगे, क्या कि क्लाइंट का डिमांड है कि इसको अभी मीटिंग है, तो अभी बोला है कि इसको फिलहाल तुम कैसे भी ऑन कर दो, रूम ठंडा होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर चेक करने के लिए बोला गया। गैस चेक कर लो, 822 है ना, 822 है, ठीक है। गैस डाल रहे हैं, तो नॉट कूलिंग का इशू है, सबसे पहले हम बता दिए, कंडेंसर फैन मोटर चल रहा था, इसके वजह से एरर, इसका फुल एरर हम बता दिए, कौन कौन से एरर आने से क्या होता है। देखिए लाइट ब्लिंक करता है, ठीक है, तो कितना टाइम का एरर, कौन सा लाइट ब्लिंक कर रहा है, या फिर एरर का क्या सिस्टम है, इसको कैसे बचाएंगे, अगर 1 टाइम कर रहा, 2 टाइम कर रहा, 3 टाइम कर रहा, फुल वीडियो अपलोड है अभी। अभी देखिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या करें, गैस डालना शुरू किए, वहाँ से फ्लशिंग कर दिए, गैस को खोल दीजिए, एक मिनट। अभी देखिए हम लोग यहाँ से टेस्ट रीसेट करेंगे, ठीक है। अगर टेस्ट रीसेट से अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग कैसे दोबारा रीसेट मारेंगे वो भी हम देखेंगे। लेस्ट एरर भी कर देते हैं, टेस्ट रीसेट भी कर देते हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा केयरफुल कीजिए, अभी ये क्या है, एरर नहीं जा रहा। तो अभी क्या करें, कुछ नहीं, अभी RS जो कंट्रोल स्विच है उसको हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्विच को बंद कर दिए, अभी क्या करें हम लोग, ठीक है, 10 सेकंड बाद हम लोग फिर से कंट्रोल स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। अभी ऑन कर देंगे सबसे, फिर सिस्टमेटिक हो जाएगा, फिर शुरू से एरर यहाँ से हट जाएगा। फिलहाल हम गैस डाल दिया ना, देखिए अभी हम लोग यहाँ से ऑन कर दिए, ठीक है। ब्लोअर फैन मोटर अभी हमारा ऑन हो गया, ठीक है, गैस ओपन है। अभी थोड़ी देर में इसका कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा।
प्रॉब्लम था, हालांकि लीक हम लोग को ढूंढ के हम लोग को गैस चार्ज करता था ताकि फिर दो महीना तीन महीना में गैस लीकेज होगा माइनर। लेकिन क्लाइंट का रिकमेंड है कि भाई अभी इसको चलने दो, रूम को ठंडा होने दो, मीटिंग है, दो दिन बिजी है, तो इसको कैसे भी अभी ऑन कर ठंडा था। हम लोग उस हिसाब से गैस टॉप अप कर रहे, ऑन हो गया। तो इसमें क्या था, एरर आ रहा था। जब भी नॉट कूलिंग का मसला आएगा सबसे पहले क्या नो डिस्प्ले में देखेंगे, जो एरर आएगा एरर में ऑलरेडी मेंशन रहता है, हाई प्रेशर हो लो प्रेशर हो क्या प्रॉब्लम है ऑलरेडी मेंशन रहेगा, एरर का एरर चार्ट होना चाहिए, मालूम चाहिए। तो इसमें फाइव टाइम बिलिंग कर रहा था। अब देखिए हम लोग ट्रबल शूट करने पे आते हैं, आपको तुरंत हम बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करें, थर्मोस्टेट का मूड को है मूड चेक करेंगे, थर्मोस्टेट का फाइन मूड में तो कूल मूड में करेंगे रूम ठंडा करना शुरू कर देगा, टेम्परेचर आप है डाउन करेंगे तो रूम ठंडा करना शुरू कर देगा। मान लीजिए कूल मूड में ये टेम्परेचर डाउन है फिर भी ठंडा नहीं करता, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आके फिर पीसीबी को हम लोग देखेंगे, पीसीबी में आएंगे, पीसीबी को चेक करेंगे Y1 Y2, ठीक है, दोनों कंप्रेसर वन कंप्रेसर टू है, अगर चार रहेगा तो चार रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कॉमन जो पीसीबी में सील करेगा उसमें एक मीटर को बोल्ड में डालेंगे और Y1 को डालेंगे, डिमांड आ रहा है कि सप्लाई नीचे साढ़ देना वो चेक करेंगे, फिर Y2 में चेक करेंगे। दोनों में अगर मान लीजिए सप्लाई नहीं आ रहा तो हो सके जो कंट्रोल का वायर आ रहा है ये ब्रेक है या थर्मोस्टेट खराब है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अंदर से थर्मोस्टेट से जंपर मार देंगे Y1 को और Y2 को, और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी में मीटर को डाल के चेक करेंगे दोनों को अलग करके। अगर कंटिन्यूटी बज रहा है तो मतलब वायर ठीक है, थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट को हम लोग चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूटी आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा तो मतलब वायर का प्रॉब्लम है, क्वांटिटी नहीं आ रहा मतलब वायर का प्रॉब्लम है, फिर वायर का हम चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करें, इधर सब कुछ ठीक ठाक है, उसका बाद भी नहीं आ रहा तो हम कॉन्ट्रेक्टर कोयल में चेक करेंगे, इसमें A1 A2 में अगर वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ से ट्रांसफार्मर है जो ट्रांसफार्मर चेक करेंगे न्यूट्रल और इसका 24 वोल्ट आउट हो रहा कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पीसीबी से जा रहा पीसीबी और हम लोग न्यूट्रल से चेक करेंगे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है ये दोनों यहाँ न्यूट्रल से तो मतलब कि वायर कहीं से ब्रेक है, तो वायर को चेंज करेंगे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पर वोल्ट आ रहा है फिर भी कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं हो रहा, मतलब कॉन्ट्रेक्टर का कोयल खराब हो गया, कॉन्ट्रेक्टर को चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कॉन्ट्रेक्टर भी एनर्जाइज हो रहा फिर भी ठंडा नहीं कर रहा, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो उसके बाद कंप्रेसर का जो जा रहा वायर उसको चेक करेंगे कहीं से ब्रेक तो नहीं है, फिर कंप्रेसर का वायर को ब्रेक चेक कर लेंगे कॉन्टिन्यूटी में, अगर ब्रेक नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेसर का टर्मिनल या जो कंप्रेसर का टर्मिनल है टर्मिनल को खोलेंगे, यहाँ से कुछ जला हुआ है या फिर कंप्रेसर ग्राउंड करके उसको चेक करेंगे, जला हुआ तो ड्रेसिंग करेंगे फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए जला हुआ नहीं है फिर हम लोग कंप्रेसर ग्राउंड को चेक करेंगे, वेंडिंग को चेक करेंगे, अगर वेंडिंग का प्रॉब्लम हो तो कंप्रेसर को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए अभी सबसे पहला बात है एरर आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एरर पहचानने आएगा तो हाई प्रेशर का है तो क्या करें, गैस चेक करें, गैस ज़्यादा है तो फिर भी कम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा। कंडेंसर ब्लॉक है, हाई प्रेशर का अलार्म हो रहा है, सर्विस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, कूलिंग करना शुरू कर देगा। कंडेंसर फाइन मोटर स्लो घूम रहा फिर भी हाई प्रेशर का एलर आएगा, उसका कंडेंसर फाइन मोटर चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉब्लम है फिर भी हाई प्रेशर का एलर होगा, नॉट कूलिंग होगा, उल्टा घूम रहा फिर भी नॉट कूलिंग होगा, ठीक है, मान लो रिटर्न उल्टा घूमने से भी नॉट कूलिंग का प्रॉब्लम होगा। तो यही सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करना अगर सीखेंगे तो प्रॉब्लम आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला बात फिर से एक बार बता दें, थर्मोस्टेट को चेक करना है और आपको पीसीबी में आके यॉर्क का बता रहे हैं, पीसीबी में आके आपको D18 जो है D18 LED रेड वाला ग्रीन के नीचे वो LED में एरर शो करता है, कितना टाइम जल रहा है उसको हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट को देखेंगे वो हिसाब से, फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर का दोनों को हम लोग चेक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था न्यू टेक्नीशियन के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताएं अच्छे से, ठीक है। इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। नॉट क्लिक का मसला था कैसे प्रॉब्लम कैसे ट्रेस आउट होगा, एक छोटा सा न्यू टेक्नीशियन।